बेस्ट नेकबैंड अंडर 2000, जिनमें आपको प्रीमियम लुक, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, कॉलिंग क्वालिटी के साथ जबरदस्त ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर से देखना। अच्छा तो चलो फिर, चलो भाई। नंबर 3 पर आ जाता है OnePlus Bullets Wireless Z2। एंड बात करो इसकी प्राइसिंग की, तो ये आपको 2000 का देखने को मिल जाता है। एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी दी गई है। वैसे तो ये नेकबैंड आपको प्लास्टिक में ही देखने को मिलता है, पर इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो हमें काफी अच्छी मिल जाती है। एंड इसका जो नेक वाला पोर्शन है वो यहाँ सिलिकॉन का देखने को मिलता है, तो बिल्ड क्वालिटी तो काफी सॉलिड दे रखी है। बाकी यहाँ पर आपको इसकी वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिल जाता है विथ ऑन ऑफ बटन के साथ। एंड उसी के साइड में आपको यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है फॉर चार्जिंग। बाकी ईयरबड्स की बात करूँ तो वो में प्लास्टिक का ही देखने को मिलता है, और यहाँ पर मैग्नेट भी आपको मिल जाता है। और इस मैग्नेट का यूज आप म्यूजिक के टाइम कर सकते हो, जैसा कि इसको आप ज्वाइंट करते हो तब ये ऑफ हो जाएगा, एंड जैसे ही इसको आप सेपरेट करते हो तो ये अगेन ऑन हो जाएगा। बाकी ये नेकबैंड ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आता है, एंड इसमें आपको IP55 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो थोड़ा सा स्प्लैश प्रूफ भी बन जाता है। एंड इसमें आपको SBC एंड AAC दोनों ही कोडेक मिल जाते हैं। बात करूं इसकी साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको 12.4mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया, इसमें आपको SBC और AAC दोनों ही कोडेक दिए गए, तो इसकी साउंड क्वालिटी और भी अच्छी बन जाती है। इन शॉर्ट, अगर आप एक बेस लवर हो, आपको बेस वाले गाने सुनने ज्यादा पसंद है, तो आप इसके तरफ जा सकते हो। एंड इसमें ट्रबल्स भी काफी अच्छी दी गई है, बट इसकी जो मिड्स है वो कहीं ना कहीं थोड़े से कम लग सकते हैं आपको। बाकी कॉलिंग में ये काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है, बैकग्राउंड नॉइज जो भी होती है वो काफी अच्छी तरीके से कैंसिल कर देता है, तो साउंड क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी दी गई है। तो आप चाहो तो इसको चेकआउट कर सकते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड नंबर 2 से पहले, अगर आप भी अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नंबर 2 पर आता है ओप्पो एंको M32। एंड इस नेकबैंड का नाम सुनकर मुझे सैमसंग के इस फोन का नाम याद आ जाता है। साले मजाक बना के रखते, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। वैसे तो ये नेकबैंड आपको 1800 का देखने को मिल जाता है, एंड इस लिस्ट की सबसे वैल्यू फॉर मनी नेकबैंड है। बात करूँ इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक फिनिश में देखने को मिलती है। एंड इसका जो ये सिलिकॉन वाला पोर्शन है काफी सॉफ्ट, काफी अच्छी क्वालिटी की दे रखी है। एंड इसके जो ईयरबड्स है वो भी काफी अच्छी मिलती है, ऑल्दो ये प्लास्टिक का ही है, पर इसके आगे आपको मैग्नेट्स देखने को मिलते हैं, एंड ये काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है, ये इजिली डिटैच नहीं होंगे। एंड इनमें आप दो डिवाइस एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा फीचर बन जाता है। बाकी ये IP55 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट भी, तो आप इजीली इसको जिम वगैरह में यूज कर सकते हो। बाकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाता है। एंड बात करो इसके साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। एंड इसके ड्राइवर साइज पे मत जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी काफी अच्छी दी गई। इसकी जो बेस है वो भी काफी पंची दे रखी है, एंड इसके जो ट्रेबल्स है वो भी आपको काफी बैलेंस्ड मिलते हैं। एंड इनमें आपको मिड्स, हाइज, लोज वो भी काफी बैलेंस दे रखे हैं। एंड कॉलिंग के मामले में भी ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है, जितने भी लगभग बैकग्राउंड नॉइज होते हैं वो काफी हद तक कैंसिल कर देता है। तो मैं तो बोलूंगा कि इसको आप बिंदास चेकआउट कर सकते हो, ये काफी वैल्यू फॉर मनी नेकबैंड है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वही नंबर 1 पे जो नेकबैंड आता है उसका नाम है बोट रॉकर्स 330 ANC। एंड हाँ, इसमें आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिलता है, जो कि अप टू 25 डेसिबल तक की नॉइज को कैंसिल करता है। बात करो इसकी प्राइसिंग की, तो ये आपको 2000 का देखने को मिल जाएगा। बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज भी ये काफी अच्छा है, आपको यहाँ मेटेलिक फिनिशिंग में ये नेकबैंड मिलता है। एंड साइड में आपको पावर ऑन ऑफ के साथ वॉल्यूम अप डाउन बटन मिल जाता है, एंड उसी के साथ यहाँ पर टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है फॉर चार्जिंग। एंड ईयरबड्स भी आपको मेटल के ये देखने को मिलते हैं, एंड इसमें आपको मैग्नेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिल जाता है, एंड ये जो नेकबैंड है IPX4 की रेटिंग के साथ आता है, तो स्प्लैश प्रूफ भी है ये। बात करूँ इसकी साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको 13mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, एंड इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी दी गई है। एंड इसमें आपको बेस काफी अच्छा मिलता है, मैं तो बोलूंगा कि इसमें आपको काफी रिच बेस देखने को मिलता है। एंड ट्रबल्स आपको डिसेंट से ही मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ANC देने के चक्कर में इन्होंने शायद बेस को थोड़ा बढ़ा दिया। खैर, इसमें आपको बैलेंस साउंड देखने को नहीं मिलता। बाकी अगर आप इससे कॉलिंग करते हो तो वो काफी अच्छी तरीके से ये हैंडल करता है, जो भी बैकग्राउंड नॉइज है वो काफी अच्छे तरीके से कैंसिल आउट कर देता है। तो नो डाउट इस हिसाब से देखो तो ये काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है इन बजट रेंज, तो आप चाहो तो इसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।